फाइनली काफी इंतजार के बाद महिंद्रा इलेक्ट्रिक एस यू वी एक्स वी फोर हंड्रेड लॉन्च कर रहा है और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा की देखना क्योंकि ये डायरेक्ट व्हीकल के साथ करेगा अभी तक उस सेगमेंट पे टाटा नैक्सॉन को कोई भी टक्कर नहीं दे पाया है तो देखते हैं और महिंद्रा जो की पहली कंपनी है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली अगर आपको याद हो तो रेवा जो की सक्सेसफुल नहीं रही सबसे पहली गाड़ी वही थी और उसके बाद जो फोर हंड्रेड आ है ये काफी प्रॉमिसिंग लग रही है फीचर्स देखिए और 17 से 20 लाख की रेंज में ये अच्छा कंपटीशन दे सकती है टाटा नेक्सॉन को और फर्स्ट इन सेगमेंट में छह एयरबैग्स हैं इसमें और एक्सेलरेशन जो जबरदस्त है 8.3 सेकंड्स का 0 टू 100 किलोमीटर जा सकती है और टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आ है रेंज फोर किलोमीटर एम रेटिंग में है जो की अराउंड साढ़े तीन सौ से पचहत्तर के आसपास दे सकती है और प्राइस अराउंड सत्रह से बीस लाख पास रहने की उम्मीद है क्योंकि इस प्राइस रेंज पे ये टाटा नेक्सन को टक्कर दे पाएगी अगर प्राइस जरा से भी दो तीन लाख ज्यादा हुआ तो फिर कॉम्पिटिशन हो पाएगा और बैटरी कैपेसिटी थर्टी नाइन पॉइंट किलोवाट पर आ एक्सपेक्टेड लॉन्च जनवरी दो है सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिसली कॉम्पिटेटिव एस वी उसके बाद देखते हैं दूसरी जो गाड़ी है वो है 5। ये गाड़ी सिमिलर टू ईवी सिक्स है और ये काफी पॉपुलर गाड़ी रहे बाहर रह चुकी है बाहर मार्केट्स में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है इसलिए भी पा, काफी पॉपुलर है क्योंकि वर्ल्ड ईवी ऑफ द ईयर दर अवार्ड कई अवार्ड मिल चुके हैं बाहर और डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म यानी इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉडुलर प्लेटफॉर्म में बनी हुई है गाड़ी और प्राइस रेंज ये थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी होगी पचपन से साठ लाख के आसपास होने की उम्मीद है और रेंज इसकी है जो फोर सो एक अच्छी रेंज है और ग्लोबली इसको दो बैटरी पैक में लॉन्च किया गया है और चार पावर ट्रेन में काफी हद तक ये जनवरी दो के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद थी लेकिन अब न्यूज आ रही है कि ये दिसंबर बीस को लॉन्च होगी और बुकिंग तब इससे शुरू कर देंगे इसके अलावा जो तीसरी गाड़ी है वो तीसरी गाड़ी एम जी एयर है जो की एक बजट सेगमेंट की गाड़ी है है अराउंड लाख के आसपास लॉन्च करने वाली इंडिया में ये भी जनवरी के आसपास और ये थ्री डोर कार होगी और श, श, ये लेंथ में सबसे छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी टू तो पॉइंट नाइन मीटर की इंडियन मार्केट में और इसकी रेंज अराउंड दो सौ किलोमीटर के आसपास रहने की उम्मीद है और टाटापनी देने आ रही है मगर उसके साथ कंपटीशन अगर प्राइस रेंस दस लाख की रही तो फिर इंडियन मार्केट में ये शायद ही उतनी बिक पाए क्योंकि आ, थ्री डोर यहाँ उतनी चलती नहीं और जब फोर डोर का ऑप्शन आपको आ, दस लाख के उससे कम में मिल रहा है तो लोग थ्री डोर पर क्यों जाएंगे बैठने की इनकनवीनस भी होती है बाकी ऑल ये कार ब्यूटीफुल बाहर से देखने में ब्यूटीफुल लगती है कि ये ऑलरेडी इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है बट अगर इसकी विजिबिलिटी की बात करें और तो फिर उसमें टाटा को टक्कर देना मुश्किल